हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सुबह की मॉर्निंग हो गई है, तो चलिए ब्लॉग के साथ बने रहिएगा। ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। और आज मेरा बेटा सो संडे मना रहा है, नहीं उठ रहा है, गुस्सा है। और आज इसे चाहिए कंबल, तो आज मैं निकालूंगी। ठंडक लग रही है और कपड़े तो नहीं, पहले सारे फोटो कर दो। आज संडे है, थोड़ा लेट भी भोजन बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। उठ जाओ, गुड मॉर्निंग, गुड 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 मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, उठ जाओ। आज उसमें से निकला ही नहीं। तो यहाँ पे मैं अपने बाबू को भी साथ साथ सुबह मॉर्निंग का समय, तो यहाँ मैं काम भी अपना कर रही थी। कपड़े जो इधर उधर फैले हुए थे, सब खिड़की गेट पे वही सब फोल्ड कर भी रही थी और काम भी कर रही थी। यहाँ मम्मी आ रही थी, कुछ पूछ रही थी मैं क्या बनाऊँ आज। मम्मी का मन जो कर रही थी ना, क्या कर रहा था डुबकी खाने का, तो वही चीज़ आज मैंने उसकी रेसिपी भी आप लोग के साथ शेयर की है। तो आई होप आप लोग को पसंद आएगा। तो प्लीज़ आप लोग एक बार ट्राई जरूर करिएगा। जो हमारे सब्सक्राइबर जिनको नहीं मालूम होगा, वैसे मुझे लगता है करीब करीब सभी लोग को मालूम होगा, जिन लोग को नहीं मालूम होगा वो इस तरीके से ट्राई करके खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी। तो ऐसे तो मैं डेली सुबह मॉर्निंग के समय खाली ही नहीं रहती कि सारे काम अपने अच्छे से निपटा लूँ, बट आज संडे है तो थोड़ा सुबह से जाएंगे। मुसाफिर भोर भयो अब रैन कहाँ, जो सोत है, जो सोत है वो खोत है। जिसको उठाया जाता है वो नौकर होता है। अच्छा रहा है डूब के आज बने और आप लोग के साथ बने रही है। ब्लॉग के साथ दिखाएंगे आज है ब्लैक कल मैंने साड़ी को, सॉरी कैसी लग रही है, थोड़ा चेंज कर और चलिए दिखा। तो मैं सारा काम करके आ गई हूँ किचन में। किचन में ये देखिए चने का दाल है, मैं भिगोने जा रही हूँ और ये थोड़ा सा भीगा चुके हूँ। ये उड़द है तो दोनों मैंने मिक्स करके भिगो गया था, धुल के साफ करके साथ जा करके मैं यहाँ पे इसे पीस ली हूँ। अब ये देखिए ये मसाले हैं, जैसे जीरा मिर्च इलायची हरे मिर्च इसमें मैं डाल के इस तरीके से पीस के मैं तैयार कर लूँ। यहाँ दो प्याज है, हरी धनिया है और मिर्च मैंने उसी में पीस लिया, क्योंकि कट करके डालूँगी तो बच्चों खाएंगे बच्चे के, ये तो नॉर्मल सी बात है कि मुंह में जाएगा ही कटेगा। तो यहाँ पे मैं अपने स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक डालूँगी, आप भी नमक डालिए, बहुत हल्का डालिए क्योंकि दोनों में रहता है ना तो कॉम्बिनेशन ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए हिसाब से डालिए कि थोड़ा उसमें कम रहे और इससे एक दूसरे से बना रहे। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ इसमें डाल के पहले पेस्ट तैयार कर लेती हूँ, फिर इसको बनाती हूँ क्या क्या डालना है। देखिए मैंने नमक डाल दिया, इसमें मसाला गर्म डाल दिया, मैं इसमें सारा प्याज और वो सब भी डाल दूँगी। तो यहाँ पे मैं सारा सामान मिला रही थी, मैं हल्दी पाउडर भूल गई थी, हाँ तो मैं इसमें हल्दी पाउडर भी ऐड कर दे रही हूँ, क्योंकि बिना हल्दी का रंग कैसे आएगा, अच्छा नहीं लगेगा, वाइट वाइट दिखेगा। तो यहाँ मैं हल्दी भी डाल दी हूँ और सारे चीज़ डाली हूँ। अब थोड़ी सी इसमें डेगी लाल मिर्च भी कलर करने के लिए, जो कश्मीरी मिर्च होती है वो वाली ऐड करूँगी, थोड़े से रेड रेड दिखेंगे तो अच्छे लगेंगे। तो बहुत थोड़ा था तो उस इतना ही बस में डाल, मैं सारा मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स करने बाद तलूंगी तो आप लोग को दिखाऊंगी, तो बने रहिए ब्लॉग के साथ। पकौड़ियों में तल के निकल गई हूँ, यहाँ पे तेल है और ये है मसाले, इसमें मैं तेल और ऐड कर देती हूँ, थोड़ा सा मैं पेस्ट बचा रही हूँ धो के डालने के लिए, छौंका के लिए रखना चाहिए। तो यहाँ पे मैं ऑयल डाल देती हूँ, ऑयल डालने के बाद थोड़ा सा गर्म हो जाता, गर्म है भी थोड़ा सा और गर्म हो जाए, क्योंकि थोड़ा भी कच्चा रहता है तो वो तेल आपका ऊपर आ जाता है सब्जी के ऊपर, तो लगता है कितना ज़्यादा तेल इसमें पड़ चुका है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा इसे इसे तो यहाँ छौकार में मिर्चे का दो ठो लगा दी हूँ। यहाँ ये मसाले मेरे सारे थे तो उसे तैयार कर ली हूँ, उसे कढ़ाई में तलने के बाद मैंने इसे बना लिया।
तो चलिए पेस्ट मसाला भून उन के सारा तैयार करती हूँ, उसके बाद ग्रेवी तैयार कर लूँगी और आप देखेंगे तो इसका खाने का लुक बहुत ही अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मेरा सारी ब्लॉग इसी के साथ चल रहा, तो इसमें जितना भी वो बेसन लगा हुआ था चने का पेस्ट वो मैंने इसमें डाल दिया। थोड़ा सा इसे थिक हो जाएगा, गाढ़ापन हो जाएगा, और पकता है जब ना तो उसमें फूटते हैं तो और भी गाढ़े हो जाते हैं, तो इसीलिए मैं थोड़े से पतले समय दिखाऊँगी। तो चलिए ब्लॉग देखते रहिए। तो यहाँ पे बन के हो गया है मेरा जो डुबकी था तैयार हो गया, तो आप लोग भी देख लीजिए अच्छा लग रहा है ना, स्वाद भी बहुत टेस्टी है। तो चलिए अभी ऊपर में है भैया, देख रहे टपा लेके देख लीजिए, टपम नहीं है बच्चों सब ना था तो खेलने लगे थे तो वही समय हटा दिए, कहीं नहीं दिखा इधर तो नहीं था वही बक्स। 150 ml के क्या वाटर पेपर तो सुनिए, हाँ हाँ फोन कर लीजिए, गए हैं भैया दे दो बाबा को, कह दो बाबा लीजिए कंबल आज वो निकलेगा, पापा का आने दो बक्सा अंदर जब छत जाए तब, हाथ दर्द हो रहा था। तो गाइस इस समय काम मेरा फाइनली हो गया, अगर ऊपर इतने काम लगे मुझे घर की सफाई भी करनी है, करने का मन भी नहीं कर रहा है, काम बहुत है क्योंकि दीपावली आ रही है और आज है करवा चौथ, सभी लोग व्रत हैं बट मैं नहीं हूँ, मेरे मन तो धक धक बोल रहे हैं, क्या होता है आप लोग खुद पहले बता ही चुकी हूँ, पर मेरा मन इतना कर रहा है इतना कर रहा है, क्या करें मजबूर हैं। तो अभी जस्ट मैं आज मेरी ब्लैक ब्लैक वाली जो ऑरेंज ब्लैक में साड़ी है उसे मैं पहनी हूँ और नहीं, और अभी मैं चली हूँ फटाफट, पहले काम निपटाऊँगी, काम करने के बाद सारा फिर आप लोग के साथ बात करूँगी, पहले की जो ब्लॉक है पहले जाओ अपना पानी रख दो, रख दो और रख के उसके बाद गर्म हो तो नहाओ जाओ। तो अभी चलिए ब्लॉग के साथ बने रहिए, और वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और प्यार बरसाने का कृपया उसे, अब मुझे मेरी ना ये देखिए ये कड़े पहने थी ना इस हाथ में, देख रहे कड़े ना इसी हाथ का था, और ऐसे इसमें भी वन पीस पहनी थी बस इसके छोड़ के सारे ऊपर की चीज़ निकल गए, ऊपर का माल पानी नीचे का नीचे चूड़ियाँ लटकी है, जो देखेगा सोचेगा एक हाथ में कंगन एक हाथ में चूड़ी, तो क्या करे टाइम नहीं मिलता है कि उसे चेंज करे, रखे तो आप लोग देखेंगे ये कलेक्शन रखे हैं बट वही है नहीं पहना पाता तो नहीं हो पाता। चलिए देखते हैं, अभी तो घर भी गंदा पड़ा हुआ है, सब साफ सफाई करना है, तो चलते हैं देखते हैं। इसको मास्क रखो, बाबू का मास्क रखो, आप क्या कर रही हैं कपड़े सब सही करके फटाक से फिर झाड़ू लगाई, बेबो आप झाड़ू लगाओगी दीदी पोछा मारेगी, नो झाड़ू नो नो नहीं यस यस